Yeah. Hello, welcome back. We are still moving, still shaking. कुछ साल पहले तक सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखना कितना सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड था। दिन भर में सिर्फ चार शोज होते थे, आप जाइए बालकनी या स्टॉल की टिकट मांगी और 15 सेकंड में टिकट आपके हाथ में होती थी। लेकिन आज मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना उतना आसान नहीं रहा। कुछ साल बाद तो मल्टीप्लेक्स में कैसे फिल्म देखें उसके लिए क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। आप जैसे ही किसी मल्टीप्लेक्स में पहुंचेंगे वहां ढेरों पिक्चर्स के पोस्टर्स लगे होंगे, उनमें से आपको यह पता लगाना होगा कि कौन सी फिल्म कितने बजे कहां दिखाई जा रही। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी ऑन टाइम। या तो 15 मिनट लेट होंगे या 45 मिनट पहले। आप टिकट लेने लाइन में पहुंचेंगे तब आपसे पूछाएगा, सर सिल्वर क्लास, गोल्ड क्लास या प्लैटिनम? सिल्वर क्लास में कम पैसे लगेंगे, गोल्ड क्लास में और ज्यादा लगेंगे, और प्लैटिनम में तो इतने ज्यादा पैसे लगेंगे सर कि उनमें थोड़ा और पैसे डालें तो आफ्ताब शिदसानी या तुषार कपूर आपके घर आकर आपको पर्सनली पूरी फिल्म के डायलॉग सुनाएंगे। 10 मिनट आप ये तय करने में बिताएंगे कि गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम सीट खरीदें, और जब आप डिसाइड करके बोलेंगे तो टिकट एग्जीक्यूटिव प्रिंट का ऑर्डर देगा और फिर दमे की मरीज की तरह रुक रुक के 5 मिनट के बाद प्रिंटर में से टिकट बाहर आएगी। आप अपनी सीट पर बैठेंगे तब तक 15 मिनट की फिल्म छूट गई होगी। फिर एक वेटर फूड एग्जीक्यूटिव आपके पास आपकी सीट पर ऑर्डर लेने आएगा। आप पॉपकॉर्न का ऑर्डर देंगे तो वो आपसे पूछेगा, सर सॉल्टेड कैरमल या चीज फ्लेवर या कैरमल एंड चीज या सॉल्टेड एंड चीज या तीनों मिक्स? तब तक आपके पीछे बैठे लोग आपको 200 गालियां दे चुके होंगे, आपके 5 मिनट और चले गए। फिर वो आपको कोल्ड ड्रिंक के 3-4 ऑप्शंस देगा, फिर पूछेगा, सर वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड? कैश से पे करेंगे तो कम टाइम लगेगा, क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो वो आपसे साइन करवाने वापस आएगा, आप फिर 200 गालियां खाएंगे। अगर इंग्लिश फिल्म देख रहे हैं तो प्लॉट निकल चुका होगा, और अगर हिंदी फिल्म देख रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं क्योंकि हिंदी फिल्मों में प्लॉट होता ही नहीं। आजकल मल्टीप्लेक्सेस में ब्लैंकेट्स भी देने लगे। मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी, ब्लैंकेट क्यों? जवाब मिला, सर इन केस यू फील लाइक गेटिंग इंटीमेट। ओह दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। हो सकता है कल वहां सर्जन्स भी हो, आप फिल्म देख रहे हो और यू वांट योर किडनी स्टोन रिमूव्ड और गेट अ ब्रेन ट्रांसप्लांट डन, व्हिच यू माइट नीड इफ यू आर वाचिंग अ रामगोपाल वर्मा फिल्म। इवन अ क्विक बोटॉक्स, जस्ट स्लाइड अंडर द ब्लैंकेट एंड थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन। नाउ दैट्स द रीजन दीज मल्टीप्लेक्स जर्क्स, मल्टीप्लेक्स एग्जीक्यूटिव्स आपको फिल्म नहीं देखने देते, क्योंकि फिल्म देखने के लायक होती ही नहीं, इसलिए वो आपको तरह तरह से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपने फिल्म देख ली तो फिर कभी मल्टीप्लेक्स नहीं आएंगे, और अगर आप मल्टीप्लेक्स नहीं आएंगे तो इन एग्जीक्यूटिव्स का क्या होगा? इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई। वैसे आजकल बहुत सारे MBA इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और MBA एग्जीक्यूटिव्स पानी में मगरमच्छ की तरह फैल गए। राह चलते किसी भी इंसान से टकरा जाइए मुड़ के आपसे कहेगा, बदतमीज जानते नहीं मैं MBA हूं। कॉर्पोरेट सेक्टर के सीनियर मैनेजर्स एक अजीब सी भाषा बोलते हैं। अगर आपको ऑपरेशनलाइज, पैराडाइम, मोनेटाइज, एम्पावरिंग जैसे वर्ड सुनाई दें, मतलब इर्द गिर्द कोई सीनियर मैनेजमेंट टाइप का बंदा जरूर भटक रहा है। लोग अक्सर बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपना छोटापन छिपाने के लिए, या फिर घुमा फिरा के बात करते हैं क्योंकि सच बोला नहीं जाता। जैसे अमेरिका में इफ यू गेट फायर्ड तो कंपनी आपसे कहेगी, वी आर लेटिंग यू गो, हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं, जैसे बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। जैसे आप घर जाके अपनी पत्नी से कहेंगे, यू नो व्हाट डार्लिंग, दे लेट मी गो, उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। पता चला आपकी पत्नी ने भी आपको आजाद कर दिया। गो यू जॉबलेस फूल, इवन आई एम लेटिंग यू गो। इसे पिंक स्लिप भी कहते हैं। पिंक स्लिप? पिंक स्लिप इसे कहते हैं? आई थॉट पिंक स्लिप वॉज समथिंग दैट मिसेस शर्मा कम्स आउट वेयरिंग इन द बालकनी एवरी डे। भाई पिंक रंग है रोमांस का, टेडी बेयर्स का, हैप्पीनेस का। हाउ कैन दिस बी अ पिंक स्लिप, गॉड डैम इट? आइडियली इट शुड बी अ ब्लैक स्लिप और अ ग्रे स्लिप और अ ब्लैक स्लिप विद ग्रे स्ट्राइप्स और इवन पोल्का डॉट्स। लेकिन आपकी कंपनी चाहती है कि आप हर्ट ना हो, सो दे गिव यू अ पिंक स्लिप। आपका पर्सनल मैनेजर आपसे आके कहेगा, मिस्टर कपूर आज से आपके क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल, नो 5-स्टार लंचेस, नो BMW, नो ड्राइवर, नो फॉरेन ट्रिप्स, लेकिन देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं, एक पिंक स्लिप। Isn't it such a lovely shade of pink? और वो शायद एक्सपेक्ट करता है कि आप उससे कहेंगे, डूड थोड़ा लाइट पिंक नहीं हो सकता? मेरा वाला पिंक, लीमन ब्रदर्स में मेरा एक दोस्त CEO था, उसको कितना ब्यूटीफुल पिंक स्लिप देकर निकाला था, वैसा कुछ नहीं ला सकते थे? कांट यू गाइज बी एस्थेटिक? इसी तरह के कई टर्म्स हैं जो नाक को यहां से नहीं
यहां से पकड़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट जागन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी शेयर होल्डर से कहे द कंपनी हैज डन रीजनेबली वेल डिस्पाइट स्टिफ कॉम्पिटिशन, उसके कहने का मतलब है कंपनी की फटी पड़ी है, इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपसे कहे यू आर अ प्रेशियस रिसोर्स इन दिस डिपार्टमेंट एंड वी रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू हियर फॉर सम मोर टाइम, मतलब नामाकूल, तू सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के काबिल है, तू कहीं और नहीं जाने वाला मुए, द मैनेजमेंट विल रिकंसिडर योर रिक्वेस्ट, मतलब तेल लगाने जा। द कंपनी प्लान्स टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज दिस ईयर, मतलब प्रिंटर में टिश्यू पेपर डालना पड़ेगा। आवर प्रोडक्ट हैज अ वेरी व्हाट डू आई से लॉन्ग शेल्फ लाइफ, मतलब प्रोडक्ट शेल्फ से कभी हिलता ही नहीं, वहीं पे पड़ा रहता है। अ पैराडाइम शिफ्ट हैज थ्रोन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू लेसन्स, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। द मैनेजिंग डायरेक्टर विल प्रोबेबली कमेंट ऑन द रिपोर्टेड फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज इन द कंपनी ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल लेटर इन द इवनिंग, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर लंबा कट लिया है और हम उन्हें कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। Yes, I admit I am jealous of these MBAs. मुझे जलन होती है इन व्हाइट कॉलर्ड क्लीन शेवन लड़कों से जो IIMs, Harvard, Wharton से Microsoft Excel शीट्स बनाने की डिग्री लेके आते हैं और ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। भाई सही बात है, रिसोर्स नहीं बोलेंगे तो एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। मेरे हिसाब से MBA वालों का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है चीजों का हवा बनाना। साधारण भर्ती को ये लोग रिक्रूटमेंट पॉलिसी बोलते हैं, बायो डेटा को करिकुलम वाइटे और मुफ्त की कॉफी को इंसेंटिव। मैनेजमेंट वालों को किताबों का भी बड़ा शौक होता है, जैसे एक किताब है 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। मेरा बस एक ही सवाल है कोवी से, अब एक कौवे कोवी तू जो भी है बावली पूछ, अगर ये 7 Habits तुझे मालूम है तो तू ये किताब क्यों लिख रहा है, खुद कुछ क्यों नहीं करता। ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर मैनेजमेंट की किताब है हु मूव्ड माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हार्वर्ड का MBA महीने का 10 लाख रुपए लेके चीज ढूंढ रहा है तो मुझे उस कंपनी पर दया आती है। एक और बड़ा पायरेटेड किताब है रिच डैड पुअर डैड। दरअसल ये किताब हरमन बावेजा के डैडी श्री हैरी बावेजा की ऑटोबायोग्राफी है। लव स्टोरी 2050 के पहले रिच डैड, बाद में पुअर डैड। मैनेजमेंट के कुछ टर्म्स भी काफी अजीब होते हैं, जैसे कि ब्रेक इवन, ये मैनेजमेंट का कम और भाईगिरी का टर्म ज्यादा लगता है। ए ब्रेक इवन, पिछले साल इन्होंने एक नया टर्म इजाद किया था जिसका नाम है टिपिंग पॉइंट, पर मेरी समझ में टिपिंग पॉइंट का एक ही मतलब है, होटल में वो जगह जहां खाने के बाद आप वेटर को टिप देते हैं। फिर किसी बड़ी अनएक्सपेक्टेड घटना को ये लोग ब्लैक स्वॉन कहते हैं। अब यहां काला करने के लिए स्वॉन को ही क्यों चुना गया ये मुझे नहीं पता, इसकी जगह ब्लू भालू या फिर पर्पल कुत्ता भी तो हो सकता था। सर इस बार मुनाफा बहुत कम हुआ है, आई ब्लेम इट ऑन पर्पल कुत्ता। देखा कितना आसान है, खाम खाम मैनेजमेंट वाले चीजों को मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बट नॉट लालू जी। लालू जी ने इसे काफी आसान बना दिया। पिछले दिनों जब वो IIM अहमदाबाद गए थे तो उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट का फंडा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं बातें मैनेजमेंट की, कुल्हड़ में तुम चाय बेच लो रेलवे गवर्नमेंट की, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट। हमारी अकल का देख के सैंपल सबका सर चकराया था, हम जब नहीं रहे थे CM जोरू को CM बनाया था, हमारी AP लैंडिंग देखकर PM भी घबराया था। मैनेजमेंट का बेसिक फंडा मैनेज करो हर काम को, सुबह किसी को पजामा पहना दो नाड़ा खींच दो शाम को, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट, लालू मैनेजमेंट। किसी ने लालू जी से पूछा आप कितने पॉपुलर हैं, बोले हम बहुत पॉपुलर हैं भाई, बिहार से लेकर तिहाड़ तक और पटना से लेकर पेरिस तक हम बहुत मशहूर, बल्कि पेरिस में तो हर चीज हमारे नाम से शुरू होता है, जैसे ला मेरिडियन, ला आईफिल, ला फैशन, ला ई, ला ऊ, यहां तक कि वहां के हर शौचालय के बाहर लिखा है ला लू। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
ओके ममता जी, आप जा सकती हैं। ए, मेरे को जाने को मत बोलो, मैं सबको जाने को बोलती है। अटल जी चुप है, बाकी क्लूलेस, एक ही बंदा बोल रहा बस। Imagine, हर सोमवार से गुरुवार